हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू दी सेशन ऑफ क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ते विद्यार्थियों, फोर्स तो भाव की हुंदा है? देखो, फोर्स का मतलब हुंदा है बल, अते एंड का मतलब तुहानू सारयां नू पता ही है अते, और प्रेशर का मतलब हुंदा है बच्चों दबाव। ठीक है, दबाव या दाब। तो विद्यार्थियों, ये साड़ा चैप्टर है। ठीक है, दबाव या फिर मैं जिदा थोड़ी बुक के लिखा है दाब। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये चैप्टर असी अज करना है। इस चैप्टर के अज सब तो पहला असी फोर्स बारे गल करांगे, मीनस बल बारे, ते उस तो बाद विचों नैक्सट सैकेंड लैक्चर के असी दाब यानी कि प्रैशर बारे गल करांगे। सो आओ विद्यार्थियों, सब तो पहला तो फोर्स बारे गल करते हाँ। फोर्स इज ए एक्सटेंट ऑफ पुश और पुल और बोथ। ठीक है, फोर्स की है, फोर्स एक बच्चों कि किन्नी जोर ना किसी वस्तु नूं असी अपनी तरफ खिंचते हाँ, ठीक है, जां फिर उन्हों धक्का दिंदे हाँ, उसनों बच्चों असी फोर्स कहने हाँ। ते फोर्स नूं बच्चों देखिया नहीं जा सकता, ये याद रखना है, फोर्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, पर उन्हों सिर्फ असी फील कर सकते हाँ, ते असी उहदे इफेक्ट जिहड़े हाँ वह ऑबजर्व कर सकते हाँ। किवें? देखो, फोर्स जिहड़ियां ने वह दो टाइप दियां हो गई, किहड़ियां किहड़ियां? एक तां विचों उहनूं असीं कह दांगे पुश जां फिर पुल। हुण पुश तो भाव की है? पुश का मतलब है पंजाबी दे विच असीं पुश नूं विचों कहिंदे हाँ धक्कणा। ठीक है, किसी वस्तु नूं धक्का देना यानी कि धक्कणा। जे धक्कणा नूं तुसीं समझना है, मन लो तुहाडे कोल एक ऑब्जेक्ट है ये वाली। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट दे मान लो कोई परसन जिहड़ा है वह इस डायरेक्शन दे विच इस तरह फोर्स लगा रहा, इहदे उपर बल लगा रहा है। वो बल लगाना की होएगा, ये ऑब्जेक्ट अगे नू मूव करूगी। ठीक है, यानी कि जिहड़ा परसन उते फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, उस तो दूर वो ऑब्जेक्ट जाएगी। ठीक है, ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आर बॉडीज। ठीक है, उसनू असी की कह दिंदे आ धक्कणा। ते बच्चों पुल करना, पुल का मतलब हुंदा है खिंचना। ठीक है, पंजाबी विच इहनू की कहिंदे ने खिंचना। ओके, तो खिंचना तो भाव की है बच्चो? खिंचना तो भाव है कि यही ऑब्जेक्ट नू जे कोई परसन इत्थे मान लो इहनू अपनी तरफ खिंच रहा है, मान लो इत्थे रस्सी लगाई है, उस रस्सी की हैल्प दे नाल ये अपनी तरफ खिंच रहा है, तो इन ऑब्जेक्ट ने उस परसन की वल मूव करना है जिसनों असी खिंचना आखते हाँ। ठीक है, तो इन इतने बच्चों इन्हों का दोनों कॉम्बीनेशन भी कितने ना कि लगते हैं, कई केसिस इदा के आ जाते हैं, जिमें कि साढ़े को पहला केस एग्जाम्पल मैं तुम्हें इतने लिखी है कि प्लेइंग ए गिटार। ठीक है, गिटार का बजाना, इदि फ्लोर स्क्रब करना। ठीक है, इदी बच्चों बोट न चलाना। ठीक है, इस तरह बच्चों लकड़ी का कट्टना। तो ये विद्यार्थियों वो कॉम्बीनेशन है जिदे विच पुश भी हुंदी है ते पुलिंग भी लगती है। तो फोर्स की हो गई, फोर्स एक पुश और एक्सटेंट ऑफ पुश और पुल, और इनू बच्चों देखिया नहीं जा सकता, सिर्फ इनू फील किया जा सकता है, तो ये जिहड़े इफेक्ट पैदा होंगे ने उन्होंने तुसी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो आओ विद्यार्थियों असी अगे वल वधदे हां कि फोर्सिस का कारण की हुंदा है, वट इज़ द कॉजिज ऑफ फोर्स। फोर्स का कॉज की है? फोर्स बच्चों किहदे करके हुंदियां ने? ड्यू टू इंटरैक्शनस। ठीक है, किहदे करके? इंटरैक्शनस करके। तो इंटरैक्शन तो की भाव है बच्चों? इंटरैक्शन का मतलब हुंदा है परस्पर क्रिया। ठीक है, की हुंदी है? परस्पर क्रिया। ओके, तो विद्यार्थियों परस्पर क्रिया दे करके यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरी ऑब्जेक्ट दे नाल इंटरैक्शनस करनिया ने जिस दे नाल बच्चों की लगती है फोर्स लगती है। ठीक है, वो इंटरैक्शनस बच्चों कॉन्टैक्ट भी हो सकती ने यानी कि संपर्क विच भी हो सकदियां ने ते असंपर्क भी हो सकदियां ने। ठीक है, तो विद्यार्थियों आओ गल करते हाँ, इतने असी इंटरैक्शन वो गल करांगे कि मान लो तुहाडे को देखो इतने तुहानू इमेज दिखाई दे रहा है, इस विच कार नू एक परसन जिहड़ा है वह धक्का दे रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का संपर्क, संपर्क दे विच दोनों ऑब्जेक्ट आ गई हैं तो एक दूसरे नू इंटरैक्ट करदियां ने, उस इंटरैक्शन दे करके ही ये कार जिहड़ी है अगे नू मूव करेगी। उस तरह ही बच्चों अगे तो अगे जिहड़ा परसन आ उते जिदां जिहड़ा फोर्स लगाई जाएगा उदां उहदा कार जिहड़ी है अगे नू धक्केगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों फोर्स किहदे करके होगी? फोर्सिस आर ड्यू टू द इंटरैक्शन और इंटरैक्शन, एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लीयर होएगा कि फोर्सिस किहदे करके होंदियां ने? इंटरैक्शन करके। पंजाबी विच असीं की कहांगे कि बल, बल
जिहड़ा है वो परस्पर क्रिया के कारण लगते हैं। ठीक है, तुहाडे बच्चों पेज नंबर 129 दे उपर बुक दे एनसीईआरटी उहदे उपर ये जिहड़े आ कंसैप्ट तुहानूं दित्ता होया है। ओके, तो आओ विद्यार्थियों अगे वधदे हां। हुण एक्सपलोरिंग दी फोर्सेस, फोर्स नूं एक्सपलोर करदे हां। इहदे विच बच्चों मैं तुहानूं हुण थोड़े जिहे कंसैप्ट जिहड़े आ उह दसण लगा। देखो तुसी एक काम करो, हुणे तुसी बैठे हो, देखो साइंस जिहड़ी आ बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज हुंदी आ, नॉट थरैटिकल नॉलेज। ठीक है, तो इहनूं बच्चों प्रैक्टिकली करना है तुसी। हुण देखो मान लो तुहाडे जिहड़े भी डैस्क दे उपर तुसी बैठे हो, ठीक है, उत्थे तुहाडे को साइंस दी तुहाडी किताब पई है। इह किताब इस डैस्क दे उपर स्टेबल है। स्टेबल दा मतलब समझदे हो, स्टेबल दा मतलब हुंदा है स्थिर है। ठीक है, इह किते मूव तां नहीं करदी पई। तो विद्यार्थियो इत्थे हो की रहा, इस वस्तु दा भार जिहड़ा है वह थले नूं लग रहा है। ठीक है, भार जिहड़ा थले नूं लग रहा है, जिहड़ा ये टेबल है, ये टेबल भी बच्चो इनू ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच इक्वल बल जिहड़ा है वह लगा रहा है। ठीक है, बराबर बल, बराबर बल लगा रहा है, दोनों एक दूसरे दे की हन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच, और ये बल बराबर होण करके ही ये वस्तु जिहड़ी टेबल दे उपर वस्तु पई है स्थिर है। ठीक है, अदरवाइज ये स्थिर नहीं रहनी सी। ओके, तो जे तुसी इहनूं मूव कराणा है तुसी की करना, तुहानूं की करना पऊगा, तुहानूं इत्थे बल लगाना पऊगा। ठीक है, तो बल लगाना की है, वो जिहड़ियां बैलेंस फोर्सिस हैगियां ने। ठीक है, बैलेंस फोर्सिस यानी कि स्थिर बल है वो बच्चो उत्थे की है उहनूं खत्म करना पऊगा। ठीक है, तो मतलब कि असी अगर फोर्सिस नूं फर्दर इलेबोरेट करना है तो विद्यार्थियों अगर दो बॉडीज जिहड़ियां ने एक दूजे नूं एक सेम डायरेक्शन दे विच एक्ट करदियां ने, उहनां दे विचकार जिहड़ी फोर्स हैगी आ उह दो फोर्सिस दा सम हो जूगी। ठीक है, उहनूं असीं अनबैलेंस फोर्स कहिंदे आ। मैं इहनूं हुण होर तरीके नाल जिद्दां इत्थे लिखिआ होइआ उस तरीके नाल समझाउण दी कोशिश करदा तुहानूं कि मान लो हुण इह टेबल, इह ग्राउंड फ्लोर है, मान लो इहदे उपर एक ब्लॉक पिआ है, इस ब्लॉक दे उपर इह तुसीं हो, तुसीं इह ते बल लगा रहे हो। ठीक है, इसे तरह ही बच्चों ये तुहाडा दोस्त है, वो भी इसे डायरेक्शन दे विच इहनूं बल लगा रहा। ठीक है, तो की होना, होना की है दोनों की फोर्स जिहड़ी है वो ऐड हो जानी है। ठीक है, जिहदे करके बच्चों की होना है, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह तो बदल जाना है। ठीक है, मतलब कि यदि अपनी स्थिति जिहड़ी है वो चेंज हो जानी है। ठीक है, समझ गए, ये हैगियां बच्चों अनबैलेंस फोर्सिस, जिहदे विच जदों ये सेम डायरेक्शन च लग रही हैं तां दोनों का कॉम्बीनेशन जिहड़ा है वो दोनों नूं ऐड करन तों बाद तुहानूं मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं हुण इत्थे एग्जाम्पल देवां, एक तुहानूं होर कंसैप्ट कराना इत्थे, जिहड़ा फोर्स हुंदा है बच्चो, फोर्स की इकाई की है, ये सारे बच्चों ने याद रखना है। फोर्स की इकाई, फोर्स नूं असीं मापदे किहदे विच आ, फोर्स की इकाई हुंदी है बच्चों न्यूटन। ठीक है, कि हुंदी है न्यूटन हुंदी है। ठीक है, याद रखना है न्यूटन, न्यूटन एक परसन का नेम है जिसके नाम से फोर्स की इकाई जिहड़ी है हुंदी है। ठीक है, ये जिहड़ा एस आई यूनिट हुंदा है, मतलब कि यूनिवर्सली या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आपां इहनूं कह दिंदे आ। ठीक है, न्यूटन याद रखना है। हुण मान लो मैं इत्थे लिखदा कि एक परसन जिहड़ा है वह 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, यानी कि तुसीं तुहाडा दोस्त जिहड़ा है इसते 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो टोटल फोर्स किन्नी हो गई, टोटल फोर्स बच्चों इत्थे हो जूगी 5 × 10 = 15 न्यूटन। इस बॉडी ते टोटल 15 न्यूटन फोर्स लग रही है, ना कि 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, ये नहीं कि अलग अलग, वह कंबाइंड इफेक्ट 15 न्यूटन इस ब्लॉक से फोर्स लग रही, जिहदे करके फर्दर अगे नूं मूव कर गई। ठीक है, एक तरह की अनबैलेंस फोर्स है। ओके, उस तो बाद बच्चों असी गल करांगे अनबैलेंस फोर्स जदों वो ऑपोजिट डायरेक्शन च लगदियां ने। ठीक है, हुण मान लो तुसी 5 न्यूटन फोर्स, ये F1 तुसी सीगे ना, 5 न्यूटन फोर्स तुसी लगा रहे हो इस डायरेक्शन दे विच, ते तुहाडा दोस्त हुण तुहाडे एंटी हो गया, ते ओ बच्चों इत्थे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन दे विच लगा रहा। ठीक है, इस डायरेक्शन यानी कि तुहाडी फोर्स, तुहाडी जिस तरह तुसी जिस डायरेक्शन च बल लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है दे विच। ठीक है, इस ना की होएगा, इस ना तुसी मैनूं दसो जिहड़ी ऑब्जेक्ट है वह राइट साइड नूं मूव करेगी, इस साइड नूं जां फिर इस साइड नूं, दोनों साइमल्टेनियसली फोर्स लगा रहे हैं। इधरों तुसी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इधर तुहाडा दोस्त जिहड़ा 10 न्यूटन फोर्स जिहड़ी आ उह इस डायरेक्शन दे विच लगा रहा है, यानी कि तुहाडी डायरेक्ट, तुहाडी फोर्स तों ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है जिहड़ी, जिहड़ा बल ज़्यादा होएगा उहदे वल ही ऑब्जेक्ट जाएगी ना। ठीक है, तो ये बच्चों तुहाडी फोर्स नूं नलीफाई करते हुए इत्थे की होया, इन 5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स तुहाडे तो ज़्यादा लगाती, ठीक है, 5 न्यूटन है तुहाडे तो ज़्यादा फोर्स लगाती, जिहदे करके ये ऑब्जेक्ट
ये वाली ऑब्जेक्ट जी है लेफ्ट साइड वालों मूव कर जूगी ना कि राइट साइड वालों, ठीक है। तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गई है। तो इतने जेकर एफ टू जोड़ा है वह एफ वन तो ज्यादा है, ठीक है, तो नैट फोर्स जोड़ा है वह कि करके होएगा, नैट फोर्स इतने एफ टू माइनस एफ वन ये नैट फोर्स आ जानी है, यानी कि जिहड़ा आखिरी बल जिहड़ा है उहदे उत्ते लगूगा, ठीक है। जिहदे करके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी जिहड़ी आ उह मूव पहला इधर नूं हो रही सी, फिर आ परसन ने 10 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाई जिहदे नाल इह इस साइड नूं मूव कर गई, ओके। तो ये अनबैलेंस फोर्सिस हो गई, ठीक है, ओके जी। ये आई थिंक तुहानूं ये गल जिहड़ी आ समझ आ गई होएगी, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों असीं गल करांगे बैलेंस फोर्सिस बारे। हूँ गल करते हाँ कि तुसी जिहड़ी आ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे सी इस ऑब्जेक्ट ते, ठीक है, एफ वन की वैल्यू जिहड़ी आ 5 न्यूटन सी, तुहाडा दोस्त भी जिहड़ा है ते 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच, ठीक है। कि ये हुण वस्तु मूव करूगी नहीं, ठीक है, ये वस्तु मूव नहीं करूगी क्योंकि इतने की होया इतने जी नैट फोर्स है वह एफ वन माइनस एफ टू वह कि बराबर आ गई क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन करके माइनस हो गया, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट आ, ये फोर्स इधरों इधरों लग रही है यानी कि लैफ्ट टू राइट और ये जी इधरों लैफ्ट राइट टू लैफ्ट जी है फोर्स लग रही है और दोनों बराबर होने करके नैट इफैक्ट जोड़ा वो जीरो आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट ने बचों जीरो न्यूटन फोर्स लग रही जिदे करके इन मूव नहीं करना, ओके। तो आओ बच्चों हुण असीं पढ़दे हाँ कि फोर्स जदों किसी ऑब्जेक्ट ते लगती है उन्हां विचों किहड़े किहड़े इफैक्ट जिहड़े आ ओह पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो सब तो पहला बच्चों एक गल ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ते जदों फोर्स लगता है यानी कि बल लगता है उस बल करके वह ऑब्जेक्ट रैसट तो अपनी मोशन दे विच आ सकती है यानी कि उहदे गति दे विच परिवर्तन हो सकता है, जिवें कि कार जिहड़ी है इत्थे की है रुकी हुई है, ठीक है, कार जिहड़ी रुकी हुई है रैसट विच हैगी है, ठीक है, रैसट विच होई तां इस परसन ने इहनूं की धक्का लगाया जिहदे नाल कार जिहड़ी अगे नूं मूव कर गई, ठीक है। तो पहली गल इह आ कि उह कोई भी ऑब्जेक्ट रैसट तो अपना मूव करना शुरू कर जूगी जां असीं किसे भी ऑब्जेक्ट नूं जे उह मूव कर रही है तां उहनूं बच्चों असीं रोक सकते हाँ, ठीक है, की कर सकते हाँ, रोक कर सकते हैं, जिमें कि तुसी आ देख लो ये तो डेली रूटीन लाइफ दी एग्जाम्पल्स है, जिमें कि तुसी इत्थे देख सकते हो कि ये परसन जिहड़ा है इहदे वल फुटबॉल आ रही सी ते गोलकीपर ने उन्हूं बॉल नूं फड़ के उहदी उन्हूं रोक दिता, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों इस नाल तुसी किसे भी वस्तु नूं रोक सकते हाँ। फिर उस तो बाद फोर्स के नाल तुसी किसे भी ऑब्जेक्ट की जदों मूव कर रही है उहदी स्पीड नूं चेंज कर सकते हो, घटा वधा सकते हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों जिवें कि तुसी देख सकते हो इत्थे साइकल है ते साइकल नूं जदों ये चलता साइकल है जदों ये साइकलिस्ट ने इत्थे ब्रेक लगानी है तो इस दे नाल इसकी स्पीड जिहड़ी है वह घट वध सकती है, ठीक है। तो अगला विचों पॉइंट हैगा फोर्स दे करके किसी भी जिहड़े मूविंग ऑब्जेक्ट आ उहदी डायरेक्शन यानी कि उहदी दिशा नूं तुसी परिवर्तन कर सकते हो, जिवें कि तुसी ये देख रहे हो ये माइकल हसी है विचों, ठीक है, माइकल हसी बहुत वधिया क्रिकेटर सी ते हैगे ने हुण भी पर क्रिकेट नहीं हुण खेलदे। तो ये विचों इत्थे की कर रहे हैं देखो बॉल नूं की कर रहे हैं बॉल नूं विचों ये बॉल आ रही है उहदी बैट दे नाल डायरेक्शन नूं चेंज कर रहा है, देखो तुहाडे सामने है तुहानूं इन्ना ऑब्जरवेशन तुहाडी होगी होएगी कि जदों इहनूं बैट नूं बॉल इस तरह बैट दे उप्पर बॉल जाके लगेगी तां बैट ने इहदी डायरेक्शन जिहड़ी है गेंद दी चेंज कर देनी है, ठीक है। तो तुसीं डायरेक्शन यानी कि दिशा भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगला विचों पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विचों तुसीं मम्मियां नूं रोटियां बेलदे हुए तो जरूर देखा होगा, तुसीं भी शायद बेलते हो गए तो तुसी देखा होगा जो असं उत्ते बल लगाने तो उहदे नाल विचों उहदी शेप जिहड़ी है चपाती की यानी कि आटे की चपाती की शेप दे विचों आ जाता है, गोल शेप च आ जाता है, ठीक है। सो फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफैक्ट, इन्हां पंजा इफैक्ट तो कुछ भी विचों कोई भी इफैक्ट जिहड़ा उत्थे हो सकता है, ठीक है। तो ये विचों तुहाडे पेज नंबर 131 के उपर है, ये सब तो पहला मैं तुहानूं दस दिता वस्तु जिहड़ी है बल दे नाल तुसी गति विच परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट असी की कीता गति विच परिवर्तन, ओके। सैकेंड असी की गल कीती कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट नूं असी की आ मूव जिहड़ा उहनूं मतलब कि
मूविंग ऑब्जेक्ट नूं रोक सकते हैं। ठीक है, तो गति विच परिवर्तन हो गया, दोनों दोनों पॉइंट इहदे बेसिस ते हो गया। ठीक है, उस तो बाद विचों असी किसी भी बल लगाण ते किसी भी वस्तु की दिशा, ठीक है, वस्तु जिहड़ी कि गति कर रही है उहदी दिशा जिहड़ी है दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, उस तो बाद विचों बल दे नाल असी किसी भी वस्तु दे बनावट विच परिवर्तन, ठीक है, बनावट विच परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन कर सकते हैं। ओके जी, तो ये विद्यार्थियों बल दिया इफेक्ट के बारे असी डिस्कशन कर ली। उस तो बाद विचों असी हुण आ कुछ इमेजेस ने तुहानू देख रहे ने तुसीं, जिवें कि असीं देखो स्ट्रैच बैंड हैगा, इत्थे स्ट्रैच बैंड नूं जो तुसीं स्ट्रैच कीता ते इहदी शेप जिहड़ी आ चेंज हो गई। ठीक है, पहलां स्ट्रैच कर रहे हां फिर उहनूं रिलीज़ कर दिता ते उहदी शेप जिहड़ी आ चेंज कर गई। इहदे विचों इह स्पॉन्ज हैगी आ इहनूं प्रैस कीता ते प्रैस करन ते इदां दी शेप हो गई। उस तों बाद इह विचों बाद विच रिलीज़ करन ते नॉर्मल शेप दे विच आ जांदा है। ठीक है, इहदी स्प्रिंग है, स्प्रिंग नूं असीं कस्या होया इदां, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कीती है, जदों इहनूं रिलीज़ कीता ते दुबारा अपनी शेप दे विच आ जाएगा। तो असीं किसी भी वस्तु की शेप जिहड़ी आ उह चेंज कर सकते हैं। ओके, उस तों बाद विचों इदां ही इह भी फोर्सिस ही ने। ठीक है, अगर असीं ग्लास नूं सुट्टांगे तां ग्लास विचों कच दे टुकड़े हो जाणगे उहदे। ठीक है, पेपर नूं पाड़ांगे, पेपर फट के इदां दा हो जाएगा, एम्पटी कैन है साडे कोल कोका कोला दा, वो क्रश करके इदां दा हो जाएगा। तो असी जिहड़ी आ उहदी शेप जिहड़ी ऑब्जेक्ट आ उहदी उहनूं उहदी शेप जिहड़ी आ उह चेंज कर सकदे आ। ठीक है, तो इहदा दोनों दे विच हुण तुसीं फर्क देखो, फर्क यह है कि इत्थे ये इदां दा बल लगा जिहदे नाल विचों ऑब्जेक्ट जिहड़ी अपनी ओरिजिनल पोजिशन दे विच रिटर्न नहीं कर सकती, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजिशन रीगेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस केस दे विच जिहड़ी आ उह इलास्टिंग इन इलास्टिक स्ट्रैच हुंदा। चलो इस बारे नहीं तुसीं याद रखना, तुसीं बारे इन्ना गल याद रखनी है कि कुछ फोर्सिस इदां हुंदियां ने जिन्हां विच बल लगाउण ते उन्हां दी ओरिजिनल शेप जिहड़ी आ बल हटाउण ते दुबारा अपनी शेप च आ भी सकदे ने, कि कई केस दे विच उह अपनी शेप दे विच वापस नहीं आउंदे। ठीक है, उस तों बाद विचों गल करांगे हुण किस्मां बारे। ठीक है, बल दियां किस्मां, बल दियां किस्मां विचों दो टाइप दे मेन बल हुंदे ने। एक हुंदा है कॉन्टैक्ट फोर्स ते दूसरा हुंदा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुंदा है संपर्क बल। ठीक है, की हुंदा है संपर्क बल। ओके, संपर्क बल। ओके जी, ते बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुंदियां ने असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स कदों ने, जदों असी किसी भी एक ऑब्जेक्ट नूं दूसरे ऑब्जेक्ट दे संपर्क विच यानी कि कॉन्टैक्ट विच लैके आना है। जिवें कि ये अगे फरदर दो टाइप दियां हुंदियां ने, मस्कुलर फोर्सिस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्सिस का की भाव है, मसल्स, मसल दे करके जिहड़ी है मसल दे नाल असी फोर्स लगाने, ये सारिया मस्कुलर फोर्सिस ने जिहड़ियां तुसी देख रहे हो। ठीक है, ये सारिया की ने, मस्कुलर फोर्सिस हन। ठीक है, तो विद्यार्थियों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैं तुहानू दिखा दिंदा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हुंदा है रगड़ बल। ठीक है, इत्थे तुसी याद रखना, मस्कुलर फोर्सिस का तो मतलब सारिया नू पता होएगा, पेशी बल इहनू कहिंदे ने। ठीक है, मस्कुलर फोर्स का मतलब की हुंदा है पेशी बल। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हुंदा है रगड़ बल। ओके, किहड़ा बल, रगड़ बल। ठीक है, इन्हां दोनों दियां एग्जाम्पल मैं तुहानू दिखा दिंदा। देखो तुसी इस फिगर दे विच देखो, एक कार जिहड़ी है ये सड़क दे उपर रुकी हुई है, इहनूं जदों असी मसल दे नाल बल लगाया तो बच्चों ये मूव करनी शुरू कर गई। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी, चलो इत्थे रगड़ बल तो सारे च ही लग रहा होएगा, तो असी साइकिल वाली की गल कर लैंदे आ। साइकिल वाले दे विच तुसी देख सकते हो कि इस विच जिदा ही बच्चों ये साइकलिस्ट ने ब्रेक लगानी है तो कार जी बाई साइकिल है बाईसाइकिल ने इतने रुक जाना है। ठीक है, क्योंकि थले वाले सरफेस ने ऑपोजिट डायरेक्शन के उत्थे रगड़ लगानी है ब्रेक लगा के ना। ठीक है, उन्होंने असी रगड़ बल करा कहे रगड़ बल बारे असी चैप्टर बच्चों अलग पढ़ना है, बेसिकली तुम इतने थोड़ा जहाँ बारे समझ लेना है। ठीक है, तो रगड़ बल एक्चुअल हों की है, रगड़ बल हमेशा कोई वस्तु दे ऑपोजिट दिशा दे विच लगता है। जेकर ये वस्तु इधर नूं मूव कर रही है तो उहदी ऑपोजिट डायरेक्शन च जिहड़ा बल लगेगा उहनूं असीं रगड़ बल आखदे हाँ। तो विद्यार्थियों दूसरा हुंदा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दे विच
जिथे बचो यानी कि असंपर्क वल जिथे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। ये बचो तीन तरह दूँ मेन फोर्सिस हैं, तो वह कि ने एक हैगी है मैगनैटिक फोर्स, ठीक है। मैगनैटिक फोर्स का मतलब होंगे चुंबकी बल, ठीक है, की होंगे चुंबकी बल। दूसरा बचो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होंगे बचो स्थिर बिजली बल, स्थिर बिजली बल, ये याद रखने है सारे विद्यार्थियों ने। तो ग्रैविटेशनल बचो होंगे गुरुता आकर्षण बल, ठीक है, की होंगे गुरुता आकर्षण बल, ओके, गुरुताकर्षण बल। तो तीन तरह दियाँ असंपर्क फोर्सिस हो गई। हूँ इन्हों वन बाय वन आप फटाफट देख लें। सब तो पहला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं तुम्हें हूँ ही दस के हटियाँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के लगती है जिदन ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। साइकलिस्ट है, साइकलिस्ट ब्रेक लगाऊगा, ब्रेक लगाना की है जा इधर रहा, ब्रेक लगाना इतने स्टॉप कर चूगा, ठीक है। तो थले वाले सरफेस यानी कि सड़क ने उस टायर के नाल ऑपोजिट डायरेक्शन बल लगाया, जिद करके चक्के का जो फॉरवर्ड मोशन सेगा वो उते रुक गया, क्योंकि थले वाले सड़क ने उते किया फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच फोर्स जी लगती है, ठीक है। इहदे विच बॉल आ रोल करती पी आ, थोड़ी देर जाके ये किते ना किते जाके रुक जूगी, तुहानू पता ही है रोल करती करती वही किते किते जाके रुकेगी। उहदा कारण की है कि थले फर्श ने यानी कि ग्राउंड ने इत्थे की कीता, उते रगड़ बल लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच, ठीक है। तो रगड़ बल हमेशा वस्तु की गति दे ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच लगता है, समझ गए, ठीक है। रगड़ बल जो तुम कोई पूछे तो तुम यही जवाब देना है कि रगड़ बल हमेशा वह बल है जिहड़ा कि किसी गति करती वस्तु की ओपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्ट दिशा दे विच लगता है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दे विच विचो आ गया मैगनैटिक फोर्स, मैगनैटिक फोर्स का मतलब चुंबकी बल। तुम देखा होना चुंबक न बचो, तुम देखा होना कि चुंबक दूर भी पई होल्स जड़िया ने वो नेल्स नू अपनी तरफ खिंच लेंदा है, ठीक है। तो मतलब उत्थे भावें तुसी उनू टच भी ना कराओ तां वी उनू अपनी तरफ खिंच लूगा, जिन्ना भी उहदा बल होएगा, मतलब चुंबकी बल ते डिपेंड करूगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों इनू असी मैगनैटिक फोर्स यानी कि जिहड़ी है चुंबकी बल आखते हाँ। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिथे कॉन्टैक्ट की लोड़ नहीं पैंदी, मतलब संपर्क की लोड़ नहीं पैंदी, ठीक है। आ छोटी क्लास तुसी पढ़िया है कि नॉर्थ पोल हमेशा साउथ नू अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ नू जिहड़ी है वह भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये ऑपोजिट पोल्स जिहड़े एक दूजे नू अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम पोल एक दूजे नू की करते हैं रिपैल करते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव नू की करता है रिपैल, दक्षिणी ध्रुव नू की करेगा रिपैल, रिपल का मतलब आकर्षित करता है, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बचो एक्टिविटी तुसीं करके देखियो, ठीक है। असीं एक्टिविटियां कीतियां होईयां ने, ये की है कॉम्ब है, कॉम्ब को अपने बालों नाल रगड़ना है, इसकी जगह तुसी गुब्बारा भी ले सकते हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों जो तुसी इत्थे कॉम्ब नू अपने रगड़ूंगे तो थले मान लो धरती ते तुसी थोड़ा जिहा उत्तो उपर टच नहीं करना, उत्तो उपर रखोगे तो उहदे विच मिट्टी के कण जिहड़े होणगे मिट्टी के कण इस कंघी के उपर जाके चिपक जाणगे। तो वह जिहड़े चार्ज पार्टिकल उहदे नाल की है चार्ज जिहड़ी है एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी नू अपनी तरफ जां अनचार्ज बॉडी नू अपनी तरफ खिंच लैंदी है बिना कॉन्टैक्ट विच आए, इनू कहिंदे ने स्थिर बिजली बल, ठीक है। तो अगला विचो ग्रैविटेशनल फोर्स है, ये बारे तुसी सारयां नू पता होएगा कि जदों भी कोई ऑब्जेक्ट धरती हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट नू जदों उहनू आपां थ्रो करते हाँ तो उहनू हमेशा वह की अपनी तरफ खिंचदी है, ठीक है। इनू की कहिंदे आ ग्रैविटेशनल फोर्स, ओके। तो विद्यार्थियों इत्थे तक तुहाडा ये जिहड़ा बल दे बारे टॉपिक जिहड़ा वह खत्म हो गया है, ठीक है। तो उस तो बाद असी दाब बारे डिस्कस करांगे, तो एक्टिविटीज़ एरिया विचों असी कर लईआं ने, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।